हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो पार्ट 7 हीरोन्स फार्मूला। इस वीडियो के अंदर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला एक क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अ रोम्बस शेप फील्ड हैज अ ग्रास फॉर 48 काउज टू ग्रेज। इफ साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर एंड डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ रोम्बस गेट बाय ईच काउ। रोम्बस के बारे में आप सब जानते हो, रोम्बस मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके सारे एंगल 90 तो नहीं होते हैं बट उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे ऑल साइड्स कितनी बोली है 30 मीटर, तो मैंने सारी साइड्स 30 मीटर कर दी है, और डायगोनल है वो 48 बोला गया है तो मैंने डायगोनल को 48 लिख दिया है। फिलहाल मैंने यहाँ पे जो शेप बनाया है वो रोम्बस नहीं है क्योंकि मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैंने ड्राइंग रोम्बस की नहीं बनाई है, कुछ और बन गया है, बट आप रोम्बस है ऐसा ही मान के चलिए। और इस रोम्बस के ऊपर काफ़ी सारी घास उगी हुई है और मैंने इस एरिया के अंदर 48 काउस को छोड़ दिया है। तो अब हमें ढूंढना क्या है कि हर एक काउ के हिस्से में कितना ग्रास या कितना एरिया आएगा ताकि उस एरिया के ऊपर वो ग्रेजिंग कर सके। तो हमें एक काउ के लिए कितना एरिया आएगा या एक काउ को पूरे रोम्बस में कितना एरिया मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम पहले क्वेश्चन प्लान कर लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे रोम्बस दिया हुआ है और डायगोनल है 48 मीटर का, ठीक है। तो डायगोनल को देखने से रोम्बस दो भागों में डिवाइड हो जाता है। फिलहाल सारी साइड्स इक्वल हैं तो हम एक स्मार्ट ट्रिक लगाएंगे कि हम क्या करेंगे कि देखो 30 30 48 और 30 30 48, तो इट मींस दोनों का जो एरिया है वो बराबर आने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि पहले सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला से इस पार्ट वन का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये पार्ट टू है और वैसे तो पार्ट वन और पार्ट टू दोनों इक्वल ही हैं क्योंकि दोनों के मेजरमेंट सेम है। तो हम क्या करेंगे कि पार्ट वन का एरिया निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई टू कर देंगे ताकि हमें पूरे का एरिया मिल जाएगा, और हमें जो आंसर मिलेगा उसको हम 48 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो पूरा एक काउ को मिलने वाला एरिया के बराबर होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप करें तो पहले क्वेश्चन प्लान कर लें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। आप बोर्ड वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो बोर्ड वाले क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन को प्लान कर लेना होता है, पहले मैनेजमेंट कर लेना होता है कि मैं आंसर को कैसे मैनेज करूंगा, ठीक है। तो हम प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे। पहले हम मैं पार्ट वन का एरिया निकाल लेता हूं, फिर उसको मल्टीप्लाई टू करूंगा और उसको डिवाइड बाय 48। तो एरिया ऑफ पार्ट वन, इसके लिए हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। यहां पे हमारे पास ए की वैल्यू है 30 मीटर, बी की वैल्यू 30 मीटर और सी की वैल्यू 48 मीटर है, ठीक है। अभी पहले स्टेप वन में हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, 30 + 30 + 48 मीटर, 30 + 30 = 60 + 48, 60 + 40 = 108 मीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाय 2 = 2, 5 = 10, 2 × 2 = 8, 54 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ए = s − a s − b s − c, एरिया ए इज इक्वल टू s की वैल्यू आपके पास 54 है, माइनस ए की वैल्यू 30 थी, 54 माइनस बी की वैल्यू 30 थी और 54 माइनस सी की वैल्यू 48 थी। अब ए इज इक्वल टू
54, 30, रिमेनिंग 24, 54 में 30 जाएगा तो रिमेनिंग 24, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54, 6 एरिया इज इक्वल टू 24, 24 दो बार आ रहे हैं, 24 का मैं स्क्वायर कर लेता हूं इनटू 6, स्क्वायर 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 रूट कट हो जाएगा तो 24 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर एरिया इज इक्वल टू 24 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 54 इंटू 6 आई थिंक सो, एक बार चेक कर लेते हैं। 24 बाहर निकल गया और 54 इंटू 6 बचा हुआ है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा। 24, 56 को मैं 9 6 जा लिख रहा हूं इंटू 6, एरिया ए इज इक्वल टू 24, 9 को मैं 3:2 लिख रहा हूं और 6 दो बार है तो मैं इसको दो बार लिख रहा हूं, एरिया ए इज इक्वल टू 24 इंटू स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो गया 3 बचेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो गया 6 बचेगा, तो ये आपका एरिया आया 24 इंटू 3 इंटू 6। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं अभी क्योंकि मुझे मालूम है आगे भी हमारा आंसर आने वाला है तो कट करने के लिए हमें आसानी रहेगी। तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू पार्ट 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो पार्ट 1 का एरिया कितना आया था 24 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 2, ये 2 यहां पे आ गया तो ये मीटर स्क्वायर मिल गया आपको। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन हमने प्लान किया था उसमें क्या था कि हमें जो टोटल एरिया मिलेगा उसको हम 48 काउ से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक काउ का एरिया मिल जाएगा या एक काउ को ग्रेस करने का एरिया आपको मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 काउ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस डिवाइड बाय 48। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या था, ये रहा 24 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 48, 24 टू जा 48। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाया था, अगर आप मल्टीप्लाई करवाते तो आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ता फिर वापस इस स्टेप के अंदर फैक्टर्स निकालने पड़ते, तो आपको स्मार्ट ट्रिक लगानी है, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज ये स्किल डेवलप होगी। ये 2 कट हो गया तो यहां पे 3 इंटू 6 18, यहां पे 80 मीटर स्क्वायर है वो हर एक काउ को एरिया मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, एक बार फिर से हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, मीनिंग उसका वही का वही था, ठीक है, आपको 48 काउस का एरिया, 48 काउस थे तो हर एक काउ को कितना एरिया मिलेगा वही आपको फाइंड करना था, तो हर एक काउ को 80 मीटर स्क्वायर का एरिया मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं है, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए तो आप हिरोन फॉर्मूला काफी इजी होता है, आपको मार्क्स स्कोरिंग के लिए ये चैप्टर करना पड़ता है और इजी भी होता है तो आपको ये चैप्टर कर लेना चाहिए, और ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे नहीं करके आते हैं, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया ताकि सबके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम हिरोन फॉर्मूला को खत्म करते हैं, यहाँ पे हमारी वीडियो सीरीज कंप्लीट हो रही है तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो सीरीज को एंजॉय किया होगा और सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे क्योंकि इसके बाहर तो आई थिंक सो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो सीरीज के अंदर करवा दिए हैं तो अभी तो आपका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए।
अभी हम नेक्स्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसमें आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे, साथ साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको नेक्स्ट सीरीज के अंदर करवा देंगे आपको, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, और कमेंट में जरूर ना जरूर कुछ लिखिए, ताकि हमें वीडियोस बनाने में थोड़ा ना मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम और भी वीडियोस बनाएं। बढ़ेगा भारत ऑनलाइन चैनल है हमारी, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, स्टे ट्यून्ड विथ अस, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन।